इस रिपोर्ट में हम आप सब के बीच बात कर रहे हैं बीजेपी छोड़ने वाले कुणाल सारंगी के बारे में, झारखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और एंटी बीजेपी पार्टियों के बीच महाभिड़ंत शुरू हो चुकी है। इस बीच कुणाल सारंगी के झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होते ही बीजेपी पर निशाना साधना शुरू हो चुका है। कहा है कुणाल सारंगी ने, मैं अपने परिवार में वापस आ गया हूँ। बीजेपी में प्रमोशन के लिए चापलूसी करनी पड़ती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुझे जनता की सेवा के लिए एक बड़ा मंच दिया है, अब मैं पार्टी में शामिल होकर जनता की सेवा करूँगा। जी हाँ, ये कहना है कुणाल सारंगी का पार्टी छोड़ते ही। पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ा आरोप लगाकर करारा झटका दिया है कुणाल ने। उन्होंने कहा, ये वही मंच है जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुझे झारखंड की राजनीति में प्रवेश करने और लोगों की सेवा करने का मौका दिया। मैंने बीजेपी इसलिए ज्वाइन की थी कि शायद ये एक राष्ट्रीय मंच है और इसके ज़रिए उन्हें अधिक से अधिक लोगों की सेवा करने का अवसर मिलेगा, लेकिन सब कुछ इसके विपरीत हुआ। बीजेपी में केवल एक ही पैमाना है, अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो पूरी तरह से चापलूसी करनी होगी और भ्रष्टाचार की कुछ डिग्री भी हासिल करने पड़ेंगे। तो इस तरह से बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर ये चापलूसी की बातें कर कुणाल ने अपना गुस्सा निकाला है। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ रूम ऋतिक रिपोर्ट के साथ। बताते बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची जारी होते हुए नेताओं का झामुमो में शामिल होने का सिलसिला शुरू हुआ। इससे पहले वो पूर्व मंत्री लुईस मरांडी ने भी कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर झामुमो का दामन थाम लिया है। 2014 में बहारगुड़ा विधानसभा में से झामुमो के टिकट पर कुणाल चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। फिर 2019 में उन्होंने भाजपा का दामन चुना, लेकिन अफसोस उन्हें यहां पर नहीं मिली जगह, इसलिए उन्हें वापस झामुमो का दामन थामना पड़ा।